जय श्री महाकाल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं अमरनाथ की यात्रा के बारे में। अमरनाथ की यात्रा करने का सही समय कौन सा है, यात्रा में जाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं और यात्रा में जाने के लिए आवश्यक सामान कौन सा है और यात्रा में कुल कितने दिन लगते हैं और कुल कितना खर्चा हो सकता है, इन सभी बातों की जानकारी हम आप सबको इस वीडियो के जरिए देने जा रहे हैं। यात्रा करने का सबसे सही समय, अमरनाथ की यात्रा अधिकतर जून महीने के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन तक चलती है। और अगर आप सब लोग विशाल शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो यात्रा करने का जो सबसे सही समय रहता है वो रहता है यात्रा शुरू होने के 10 से 15 दिन के अंदर। अगर आप यात्रा के 10 से 15 दिन के अंदर यात्रा शुरू करते हैं तो आपको वहाँ पर विशाल शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको आपके नज़दीकी PNB बैंक की या GNK बैंक की ब्रांच में जाना होगा और वहां से आपको दो तरह के फॉर्म मिलेंगे, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेशन फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है बेसिक डिटेल फॉर्म। जो कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेशन फॉर्म है उसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और आपके नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाके किसी भी डॉक्टर से उसको अटेस्ट करवाना है। और जो दूसरा फॉर्म है बेसिक डिटेल, उसमें आपको अपने नाम, अपना एड्रेस, आप कहाँ पर काम करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी है और ये भी भरना है कि आप यात्रा कहाँ से करेंगे। तो ये सब डिटेल्स भर के आपको ये दो फॉर्म लेके जाना ज़रूरी है। आप किस तरह आएँ अमरनाथ यात्रा आने के लिए, आपको सबसे पहले जम्मू में आना पड़ेगा। जम्मू आने के लिए आप बस या ट्रेन किसी भी तरीके से आ सकते हैं और जम्मू से आपको एक प्राइवेट टैक्सी या बस के ज़रिए आप बालटाल या पहलगांव पहुंच सकते हैं और वहां का किराया लगभग 1000 के करीब रहता है। और अगर आप बाई एयर आते हैं तो बाई एयर आने के लिए आप श्रीनगर में भी आ सकते हैं और श्रीनगर से आप प्राइवेट टैक्सी के ज़रिए बालटाल या पहलगांव पहुँच सकते हैं। यात्रा करने के दो मार्ग हैं, पहला मार्ग बालटाल और दूसरा मार्ग पहलगांव। अगर आप बालटाल के मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको गुफा तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी और वो यात्रा आप पैदल, घोड़ा पालकी, तीसरा या हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकते हैं और उसके बाद आपको वापसी के लिए भी वही 16 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। और दूसरा मार्ग है पहलगांव। अगर आप पहलगांव के जरिए यात्रा करते हैं तो आपको गुफा तक पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी और वहां से वापसी के लिए आपको बालटाल तक आने के लिए 16 किलोमीटर की यात्रा और भी तय करनी होगी। और आप सबको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी, जैसा कि कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती जी के साथ उसी रास्ते से होकर गुफा तक पहुँचे थे और आपको इस रास्ते में बहुत ही अनोखी अनोखी कुदरत के करिश्मे देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुंदर बर्फीली पहाड़ियाँ, झरने। यात्रा में जाने से पहले आप कौन सा ज़रूरी सामान अपने बैग में सबसे पहले रखें? जो सबसे पहली ज़रूरी है, जो आपके साथ आपको कैरी करनी है, वो है एक अच्छा रेनकोट जो वहाँ पर आपको होने वाली बारिश से और दूसरा ठंडी हवाओं से बचाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको कैरी करनी है वो है एक अच्छे जूते जो कि आपको बर्फीली पहाड़ियों पर चलने में मदद करेंगे। तीसरा, आपको एक टॉर्च अपने साथ रखनी है, टूथपेस्ट, एक पॉलीथीन जो आपको अपने बड़े सामान ढकने में मदद करेगा बारिश के टाइम पर, एक अच्छी फुल स्लीव जैकेट ठंड से बचने के लिए और आपको एक गर्म टोपी। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है। अमरनाथ की यात्रा कितने दिन की रहेगी और इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आ सकता है? अमरनाथ की जो यात्रा है ये जम्मू से लेके अमरनाथ की यात्रा के लिए लगभग 4 से 5 दिन की ये यात्रा रहती है और वहाँ पे रहने के लिए आपको टेंट्स की सुविधा दी गई है और उन टेंट्स का जो खर्चा है वो एक दिन का एक व्यक्ति का 300 से 500 के बीच में आता है। और खाने के लिए वहाँ पे जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं और रुकने के लिए भी, अगर आप किसी टेंट में नहीं रुकते तो आप वहाँ पर जो लंगर लगे उन सेवादार के साथ में रुक सकते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो अगर आप लगाएं तो ये कुल खर्चा 4 से 5 हज़ार के बीच में आपको ये अमरनाथ की यात्रा होती है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कोई भी जानकारी आपको और भी चाहिए हो आप कमेंट्स के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं, हम उसका भी आंसर करेंगे अगली वीडियो में और हम ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने और दोस्तों के साथ ताकि ये हमारी ये जानकारी लोगों तक पहुँचती रहे। जय बाबा बर्फानी जी की।